हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, कल का डायनामाइट शो AEW का एक काफी बड़ा डायनामाइट शो होने वाला है, क्योंकि कल का डायनामाइट शो AEW की फोर्थ ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो है और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज, हम जानेंगे कि कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज की है और हमें कल के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। इसीलिए गाइज, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस, अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले डायनामाइट शो का प्रीव्यू और जानते हैं कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज की है और हमें कल के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइस, सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के डायनामाइट शो पर रे फिनिक्स से 1-on-1 मैच के अंदर अपने इंटरनेशनल चैंपियनशिप चैलेंजर निक जैक्सन के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस, इस मैच की बैक स्टोरी एक काफी सिंपल सी बैक स्टोरी है, क्योंकि हाल ही में जॉन मॉक्सली को हराकर रे फिनिक्स बन चुके हैं इंटरनेशनल चैंपियन और फिनिक्स अपने फर्स्ट अपोनेंट की तलाश कर ही रहे थे। और ऐसे में निक जैक्सन इंटरनेशनल चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर मैच जीत चुके हैं, जिसके चलते हमें फिर एक बार AEW के डायनामाइट शो पर निक जैक्सन और रे फिनिक्स इनके बीच में एक 1-on-1 मैच देखने को मिलने वाला है, जो मैच मेरे हिसाब से एक काफी जबरदस्त मैच साबित हो सकता है, क्योंकि गाइस, यही मैच है जो कि सिर्फ AEW के फोर्थ डायनामाइट शो पर हुआ था और तभी इस मैच के स्टेक्स काफी हाई थे। और अब 4 साल बाद जब ये रीमैच हो रहा है, तब इस मैच के अंदर इंटरनेशनल चैंपियनशिप इन्वॉल्व है, इसीलिए मेरी इस मैच से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। और मुझे भी देखना है कि इस मैच के अंदर रे फिनिक्स और निक जैक्सन की परफॉर्मेंस कैसी होती है। और अगर आप AEW काफी पहले से देख रहे हैं और अगर आपने सबसे पहले निक जैक्सन वर्सेस रे फिनिक्स मैच देखा था, तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आप इस मैच के लिए अब कितना एक्साइटेड है, पहले जितना थी उतना ही या फिर इससे ज्यादा। लेकिन इस सबके साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइज, मेरे हिसाब से एक काफी जबरदस्त हाई फ्लाइंग और शानदार मैच के आखिर में हमें यहाँ पर रे फिनिक्स ही अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप रिटेन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज, यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि फिनिक्स के इंटरनेशनल चैंपियनशिप के साथ आगे क्या होता है। पर इसके बाद जो अगली बड़ी चीज जो कि AEW ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के डायनामाइट शो पर केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको एक टैग टीम मैच के अंदर सैमी गवेरा और कुनुस के तकेत्सा को फेस करते हुए दिखाई देने वाले है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज, हमने रसल ड्रीम पेपरव्यू पर ही सैमी गवेरा, कुनुस के तकेत्सा और विल ऑस्प्रे वर्सेस क्रिस जेरिको, केनी ओमेगा और कोटा इबुशी ये काफी जबरदस्त मैच देखा था, जहाँ पर कुनुस के तकेत्सा की टीम जीत गई थी। लेकिन गाइज, यहाँ पर क्रिस जेरिको और केनी ओमेगा अपना बदला चाहते है और इस बार उनके साथ एक ट्रियोज मैच के लिए कोटा इबुशी भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए सैमी गवेरा और कुनुस के तकेत्सा इन दोनों ने केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके चलते हम इस वीक के डायनामाइट शो पर केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको एक टैग टीम मैच के अंदर सैमी गवेरा और कुनुस के तकेत्सा को फेस करते हुए दिखाई देने वाले है। और गाइज, मेरे हिसाब से ये मैच डायनामाइट शो पर एक काफी जबरदस्त मैच साबित हो सकता है और हमें इस मैच के अंदर फिर एक बार जेरिको और केनी ओमेगा की काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। पर इस सब के साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज, मेरे हिसाब से यहाँ पर केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको ये मैच जीतने वाले है, क्योंकि रेसल ड्रीम पेपरव्यू पर ही अपना मैच हारे थे, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ कैपेसिटी के अंदर शायद केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको इनको बदला लेने का मौका मिलेगा। पर इसके साथ जो अगली बड़ी चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि हम इस वीक के डायनामाइट शो पर हाल ही में AEW कंपनी ज्वाइन करने वाले सुपरस्टार यानी कि एज AKA एडम कोपलेन आकर कुछ कहते हुए दिखाई देने वाले है। और गाइज, यहाँ पर सच में देखने के लिए मजा आएगा कि एडम कोपलेन AKA एज इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर क्या कहते हैं, क्योंकि मैं सच में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। और अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो इतनी चीजें हैं जो कि AEW ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है। और इस सबके अलावा अगर कल के डायनामाइट शो पर कुछ होता है तो वो क्या है, ये आपको हमारे चैनल पर कल के डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइज, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?